हम धोखे में थे कि हम अर्थ को बचा सकते हैं, हम पोल्यूशन कम कर सकते हैं। हमें पता चला कि इंसान अगर अपने टांग ना अड़ाए तो पृथ्वी अपने आप को हील कर सकती है। हम धोखे में थे कि हम जंक फूड के बिना नहीं सर्वाइव कर सकते। सारे जंक फूड रेस्टोरेंट बंद है, पर अब भी दुनिया चल रही है। हम धोखे में थे कि हम घर से काम नहीं कर सकते। हम धोखे में थे कि हमारी मीडिया बहुत समझदार थी। हम धोखे में थे, हमें लगा हमारे फिल्म स्टार, क्रिकेट स्टार असली हीरो है, पर अब पता चला कि वो बस एंटरटेनर है। हम धोखे में थे कि हमें लगा US और UK के लोग हमसे समझदार है, हमसे एजुकेटेड हैं। धोखे में थे कि कोई ज्योतिष, कोई मौलवी, कोई पंडित, कोई प्रीस किसी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। हम धोखे में थे कि तेल बहुत ही कीमती चीज़ है, पर हमारे बिना तेल की कोई कीमत नहीं। हम चिड़ियाघर के जानवर देख के खुश थे। जब हम पिंजरे में बंद हुए तब हमें पता चला जानवरों को कैसा लगता होगा। हम धोखे में थे कि शॉपिंग मॉल के बिना हम जी नहीं सकते, पर दुनिया अब भी चल रही है। ब्रांड्स नहीं थे तब भी दुनिया चल रही थी। देर रात तक चाय के होटल पे बैठ के टाइम वेस्ट किया करते थे, और दुनिया तब भी चल रही है। जो फ़र्क पड़ा है वो नकली ज़िंदगी को पड़ता है, आर्टिफिशियल लाइफ को पड़ा है, असली ज़िंदगी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। फिजूल खर्च बंद हो गए, अपने परिवारों का साथ टाइम बिताना शुरू हो गया। बच्चे आंगन में खेलने लगे, फूल अब भी खिल रहे हैं, नदियाँ अब भी बह रही हैं, बल्कि अब तो और ज़्यादा साफ होके बह रही है। गाय अब भी दूध दे रही है, मुर्गियाँ अब भी अंडे दे रही है, खेत में सब्जी अभी उग रही है और आपके घरों तक सब चीज़ पहुँच रही है। हमें अभी पता चला कि हम धोखे में थे।